ओए ये तो नहीं बुलेटॉग लेके जाना, नहीं, नहीं, ये नहीं देना, और हैवी है जो आपको देना। यार हमने बुलेटॉग को खोल तो लिया लेकिन वसीम ना उसके साथ फट्टा डलवाना चाह रहा है। यार भाग भाग जल्दी भाग, वसीम ने ना फट्टा डलवा दिया दोनों बुलेटॉग का। ओए ओए रुको रुको रुको, ये कहाँ घुस गया? यार ये आगे चला गया तो मसला बन जाएगा। तो अभी इसको कैसे निकालने? रुको जैक रुको, इसको बिल्कुल आजाद कर देते हैं। चलो जी मैंने इसको बिल्कुल आजाद कर दिया और इसकी वॉक करवाते हैं और मैं बाइक के ऊपर बैठता हूँ। चल यार जैक भाग के जल्दी जल्दी दौड़ लगा और स्पीड में चला यार। भाग भाग भाग। यार हमारा जैक ना स्लो हो गया, इसके पाँव पे चोट लगी हुई है ना, इस वजह से इसको दर्द भी हो रही है। रोक रोक मोटरसाइकिल रोक। यार जैक वहाँ पे रुक गया। जैक इधर आ जाओ यार। यार ये तो हमारे पेट हाउस की तरफ जा रहा है, मेरी बात नहीं मानता, इधर आ जाओ। इतना बेशरम हो गया यार। इधर आओ तो मैं चेन पहनाऊं। यार मेरा कहना क्यों नहीं मानता यार जैक? अभी हम इसको ना ट्रेन करें, इस वजह से यार मेरा सही से कहना नहीं मानता। मेरा कहना माना करो और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारे अब्बे की शादी आ रही है, उस पर तुम्हें डांस भी करना है। ये देखें यार इसके पाँव पे जो स्वेलिंग थी ना काफी कम हुई है, इसकी ट्रीटमेंट भी चल रही है और हम वॉक वगैरह भी आज से करवाना इसकी स्टार्ट कर दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे दोस्तों। यार आज मैं इतना एक्साइटेड हूँ क्या बताऊँ यार। इस चैनल पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और सिर्फ आपकी बदौलत। आपका इतनी सपोर्ट का, इतने प्यार का यार बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी सपोर्ट और अपना प्यार जारी रखें और जल्दी जल्दी 100K सब्सक्राइबर करवा दें यार। उसके मुझे बेचैनी से वेट है क्योंकि यार 1 लाख के बाद ना एक बटन मिलता है यूट्यूब की तरफ से, उसके साथ पिक वगैरह खिंचवानी है, उसके यार मजे लेने हैं थोड़े से, उसके मजे दिलवा दो। और आपके 50,000 सब्सक्राइबर करने की खुशी में ना आज मैं आपको एक बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। और इसके अलावा मेरे पास एक इतना बड़ा सरप्राइज है, इतना बड़ा सरप्राइज है जो आने वाले 1-2 दिन में आपको मैं देने वाला हूँ। तो आज हम अपने पेट हाउस के लिए एक हैवी किस्म का बड़ा ब्लूटूथ लेने के लिए जा रहे हैं जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अभी हम फौरन से चलते हैं हैवी ब्लूटूथ लेने के लिए। इस वीडियो में भी आपके लिए सरप्राइज है, तो आपने वीडियो के एंड तक एंजॉय करना है। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब मार दो। दोस्तों यार हम ना अपने टाउन के पार्क के पास इसलिए आए थे, यहाँ पे देखने के लिए आए थे, कहीं पानी वगैरह तो नहीं लगा दिए। शुक्र है यार पानी ने लगा दिया क्योंकि हमने यहाँ पे जैक की शादी करनी है। तू क्या नीचे कर रहा है? खैर ये तो कांटू वाला चूहा है, ये गाड़ी के नीचे कहाँ से आ गया? तेरी खैर। ओ इधर आ जा यार, यार धूप निकली हुई है ना, ये छांव के नीचे आ गया। आ गया क्या? ओ टायर के नीचे आ गया यार, साइड पे हो जाओ, हमने अभी गाड़ी लेके जानी है, नीचे आ जाओगे? यार इसका मुंह नजर ही नहीं आ रहा, वो सामने भाग गया यार, बाहर निकल जाओ, ऊपर ले टायर के पास चला गया। इसको पकड़ते आ जाओ। ओ यार साइड पे हो जाओ, हमने जाना है बुरी डॉग लेने के लिए, तुम कहाँ आ गए यार? इसको हाल लगाया ना, इसके कांटे बड़े जोर जोर से चुपते हैं यार। हमारी ये मैं शॉपर लेके आया हूँ, उसमें डाल यार जल्दी से। हमने चूहे को क्या करना है यार? डाल तो सही ना, फिर मैं बताता हूँ, इसको लेके चलते हैं। यार ये गाड़ी के नीचे से हट नहीं रहा, हमने जाना है और इसको ना साइड पे कर देते हैं। इधर इधर इधर, ओ तेरी यार कांटे मार रहे हो। ये पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, डाल दे डाल दे डाल। तो टिकी खोल टिकी खोल। इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? वो इसको लेके जा रहे हैं, बताऊंगा फिर मैं तुझे। बंद करो, चलो यार बैठो बैठो, चलो यार चलो। फाइनली दोस्तों हम उस जगह पहुंचे हैं जहाँ पे हमने हैवी ब्लू डॉग को लेके जाना है अपने पेड़ हाउस में। ये वसीम भाई का डेरा है, यहाँ से हमने लेके जाना है। यहाँ पे पहले भी हम 2 फीमेल ब्लू डॉग लेके आए थे, एक चीते की तरह की फीमेल डॉग थी और एक ब्लैक कलर की फीमेल डॉग है जो हमारी रूबी है। तो एक और हम ब्लू डॉग लेने के लिए आ गए हैं। इनके यहाँ पे जितने भी ब्लू डॉग है ना सारे हमने अपने पेड़ हाउस में ले जाने हैं। यार वो जो चोरी हो गया था ना अभी भी उसका अफसोस आ रहा मुझे। ये तो नहीं ब्लू डॉग लेके जाना, ये तो मैच है इसका, तो ये नहीं देना, बड़ा हैवी है जो आपको देना। अच्छा ये नहीं है, ये हमने पहले भी देखा था, ये कितना हैवी और बड़ा हो गया यार, बेचारा जख्मी हुआ, लड़ाई करवाते रहे ना उसको, लड़वाया था, अब दोबारा मैच है इसका। ना यार लड़ाई ना करवाया करो यार, तू शिकार और लड़ाई करवाता रहता है यार। ये देखो यार बेचारा कितना जख्मी हो गया। तू कह रहा था इधर रैबिट्स वगैरह खेतों में होते और उसको मारता है, शिकार करता है? ये मारता भी, वो घुमा फिरा के लाया ना। दोस्तों यार यहाँ पे ना खेतों में शिकार भी होता है, लोग ना रैबिट्स का शिकार करते हैं। और ये जो बुली डॉग है ना इसने बड़े रैबिट्स खाए हुए। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है की हमें रैबिट्स के शिकार पे भी जाना चाहिए कि नहीं। यार वो मुझे रैबिट्स का शिकार बड़ा अच्छा लगता है यार। तो खैर ये वो वाला बुली डॉग नहीं है जो हमने लेके जाना था अपने पेट हाउस में। इसको देख के मैं खुद थोड़ा सा मायूस हो गया था, मैंने समझा ये वाला बुली डॉग दिलवा रहा है। तो नहीं बड़ा हैवी है वो, ये देखो यार, ये हमने अपने पेड़ हाउस में लेके जाना तो करो, दिखाता हूँ यार। दिखाई दे, बेचैनी लगी हुई है, कितने डॉग दिखाएगा तू? जो हमने लेके जाना वो दिखा मैं। यार इसने पता नहीं अपने डेरे पे कितने डॉग रखे हुए हैं। दो हम अपने पेड़ हाउस के लिए ले भी गए थे फिर भी यार इनके पास डॉग ही नहीं उगते। कहाँ पे अब वो? ये पड़ा है। उए, 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 क्या बात है यार, किसका कद छोटा है लेकिन है काफी हेल्दी। 2 मैच विनर है, बहुत अच्छा। लड़वाते हैं इसको भी? सबसे हैवी डॉग है ये, आपस में लड़वाते हैं जो बाहर है और ये? नहीं नहीं मैच लड़वाते। तो यार ये वाला हैवी बुरी डॉग है जो हमने अपने पेड़ हाउस के लिए लेके जाना है। इसकी टांगे तो छोटी है लेकिन ऊपर से जिसामत चेक करो यार, कितना हैवी किस्म का है। इसको अपने पेड़ हाउस लेके जाना ना। ठीक हो गया यार, काफी हैवी है, इसकी हाइट छोटी है लेकिन इसका वेट काफी है, ऊपर से बिल्कुल तेरे जैसा है ये। लेकिन टांगे इसकी क्यों छोटी रहेगी यार? ये ना जो ज्यादा लड़ाई वाले कुत्ते होते हैं ना उनकी वर्जिश करवाते हैं ना, इस वजह से इनकी ना सामत बन जाती है। तो खोल यार इसको, पेट हाउस में लेके चलते हैं यार, मुझे बहुत बेचैनी लगी हुई है। और जो मैं आपको कह रहा था ना सरप्राइज इस वीडियो में आपको मिलेगा, वो सरप्राइज ये है कि ये जो हम बुली डॉग लेके जा रहे हैं ना अपने पेट हाउस में, इसकी शादी नहीं करेंगे, इससे बड़ा हैवी किस्म का बुली डॉग लेके आएंगे जो आपके लिए सरप्राइज होगा। इसको सिर्फ हम शादी में शिरकत के लिए लेके जा रहे हैं। शादी के मेहमान इतने बड़े बड़े
बड़े आ रहे हैं, तो सो धुला कितना बड़ा होगा। तो यही तो सरप्राइज है दोस्तों, यार यही आपके लिए सरप्राइज है, बड़ा हैवी किस्म का बड़ा सरप्राइज होने वाला। चल यार वसीम भाई इसको खोलो और अपने पेट हाउस में लेके चले। यार इसका नाम क्या है? जैकी। यार जैकी तो हमारी रूबी का हम नाम चेंज करने वाले, हम अपने रूबी का नाम चेंज करने वाले और उसका नाम ना हम जैकी रखेंगे, इसका नाम कोई और डिसाइड करते हैं। दोस्तों यार आप लोगों ने बताना ये हमारे पेट हाउस में तकरीबन 15 से 20 दिन रहेगा, क्योंकि यार शादी के दिन चलेंगे और ये मेहमान है यार, इसका नाम आप लोगों ने डिसाइड करना है, हम इसका वही नाम रखेंगे। कितना हैवी है यार। यार हमने बुलेट डॉग को खोल तो लिया लेकिन वसीम ना उसके साथ फड्डा डलवाना चाह रहा है। यार तेरी मेहरबानी यार, फड्डा ना डलवा, इसको चुप करके ना गाड़ी के पास ले जा। और इसके डेरे में मैंने सिर्फ आपको डॉग दिखाया ना, यहाँ पे यार काफी असील मुर्गे भी हैं और मुर्गे भी हैं, और सबसे बड़ी बात यार इतनी ज्यादा इन्होंने यहाँ पे बकरियां भी रखी हुई हैं। क्या बात है यार, ये देखो। ओए किसी बकरी ने बच्चा वगैरह दिया है? कोई नहीं, अभी देने वाली है। कोई बच्चा वगैरह होता ना उसको हम अपने पेट हाउस में ले जाते हैं, यहाँ से जो मर्जी बकरी अपने पेट हाउस में ले जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन लेके जाएंगे थोड़ा अपना पेट हाउस बड़ा कर लेना, इस वजह से यार हम ना बकरियां वगैरह नहीं ले रहे। और इस फार्म में सबसे बड़ा बकरा यार ये चेक करो, कितने हैवी है और बड़े बड़े बाल है, मारता ही है। जा उमर इसके साथ जाके फाइट कर। मैं इसे फाइट कर लूंगा, इसमें क्या है? मुझसे हार दे। चल जा, उमर जा रहा है उससे लड़ने के लिए, देखते हैं ये लड़ पाता है कि नहीं। भाग भाग जल्दी भाग। दोस्तों यार बच्चा कह रहा है वसीम ने ना फड्डा डलवा दिया दोनों बुलेट डॉग का। यार ये वसीम तूने क्या किया, तुझे मना भी किया था मैंने। यार चाचू आ गया था, जाते जाते इसका एक पंगा ही करवा लेते। यार तूने अच्छा नहीं किया यार, इसको हमने ऐसे ही लेके जाना था। ये बेचारा देखो यार फ्रंट से आपको दिखा नहीं रहा, काफी सांस चढ़ा हुआ इसको। और मैंने वीडियो बनाई है, तुझे दिखाऊंगा। वीडियो बनाई है? बनाई है। अब हम अपने बुलेट डॉग को ना गाड़ी में लोड करने लगे हैं। उधर ना लेके जा यार, इधर लेके आवास चले। और जो यार उमर ने डिग्गी में चूहा रखा था उसको जल्दी से बाहर निकाल देते हैं। तेरे भी कोई गंदे काम होते हैं यार, चूहे का क्या काम था, इसको जल्दी से बाहर निकालते हैं। तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें आगे शिफ्ट करते हैं। ओए चूहा कहाँ गया? ओ तेरी मुर्शिद किधर गया? ओए ओए यार इसके अंदर तो हमने बंद किया था। सीट के नीचे तो नहीं चला गया? दरवाजा खोल के उस तरफ देख। ओए ओए रुक 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 रुक, ओ तेरी खैर, ओ ये कहाँ घुस गया? ओ जल्दी बाहर निकाल, ये तो तारे काट देगा। वही ना, इसको यार अब कैसे निकालने, हाथ तो नहीं लगा सकते, इसके कांटे चुपते हैं। यार इधर बाहर आ जाए यार, इसका मुंह ही पल्ली तरफ है, आगे की तरफ है, ये ना आगे चला जाए। यार आगे चला गया तो मसला बन जाएगा। तो अब इसको कैसे निकालने, कोई कपड़ा निकाल यार, गाड़ी में से कोई कपड़ा निकाल। वो देखो यार छापर से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और अंदर आगे जा रहा है, आगे ना जा पाए, जल्दी से निकाल दे यार इसको। आ जा यार, आ गया आ गया आ गया, गुड गुड, आ गया आ गया, ओ आ गया, क्या बात है यार, ये तो गोल गेंद बनी है, क्योंकि हम इसको डंडे के साथ बाहर निकाले थे ना। शुक्र है आ गया, नहीं तो बड़ा नुकसान कर देता है। अब इसको कहाँ पे करें यार? इसको फेंक देते हैं। नहीं नहीं, इधर आजाद नहीं करना, जहाँ से हमने पकड़ा था ना वहाँ पे आजाद करें। जल्दी से ना इसको आगे शिफ्ट करते हैं, और इधर हमने ना बुलेट डॉग को शिफ्ट करना है। इधर आओ यार, चलो यार इसको ना जल्दी से लोड करो, बैठ जाएगा ना यहाँ पे, बैठ जाएगा, बैठ जाओ बैठ जाओ। गुड यार, ये तो फुल ट्रेन है, खुद ही बैठ रहा है। आ जाता होता ना ये मैच में, ये आगे जा। ओए ओए आगे कहाँ जा रहा है? ओ तेरी खैर भाई, ये सीट पे बैठने वाला है, डिग्गियों में नहीं बैठता, देख खुद बैठ गए। ओए होए, उसने सीट भी थोड़ी सी ली है, तेरी सीट बजा दी उसने। तो ये तो हमने डिग्गी पे बैठाया था, लेकिन ये सीट पे आ गया, इसको मुझे लग रहा है डिग्गी अच्छी नहीं लगती, सीट पे आगे बैठ गया। यार हमें बता देते, हम यहाँ पे कोई कपड़ा बिछा देते, सारी सीट गंदी कर दी है। दोस्तों हमने जो कांटो वाला चूहा पकड़ा था ना, हम उसी जगह पे ले आए जहाँ पे हमने इसको पकड़ा था, और यहीं पे ना इसको आजाद कर देते हैं। फिर से इसने छापर फाड़ लिया यार, चलो यार बाहर चलो। और तुम्हें गलती से पकड़ लिया था यार, उमर हमारे साथ पागल फिर रहना, उसने तुझे पकड़ा था, चल जाओ भाग जाओ। वो गया वो गया वो गया, अपने घर में जा रहा, जाओ यार बाय बाय। फाइनली दोस्तों हम बुली डॉग को लेकर अपने पेट हाउस में पहुंचे हैं, थोड़ा सा पीछे खड़ा किया है क्योंकि यार यहाँ पे अनलोड करेंगे ना, फिर थोड़ी सी बात करवाते हुए ना अपने पेट हाउस में ले जाएंगे। यार डिग्गी खोलो, हमने ना इसको डिग्गी में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि हमारे पास बैठने के लिए ना बंदे ज्यादा हो गए थे। चला जाओ यार बाहर आ जाओ। ये आगे आराम से उतरना, आराम से आराम से। गुड, क्या बात है, इधर रस्सी पकड़ा यार, मैं इसको ना थोड़ी सी बात करवा के आता हूँ। बको 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 बको, यार तूने अच्छा नहीं किया यार, जो वहाँ पे पंगा डलवाया ना तूने, थोड़ी सी ना इसकी बात करवाते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो ले। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, ये होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।